ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। अतेंद्रिय सुख पूछना हो किससे पूछो जाके? कौन है गोप गोपियां तो ये कहो ना, हमसे पूछो। ये क्यों नहीं कहते? अब पता नहीं गोप गोपियां कहाँ मिलेंगी, हम कहाँ पूछेंगे जाके। हम फलक से ये कहे ना, हमसे पूछो, इसका मतलब अभी तक थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हो जाती है ना ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो वो थोड़ा थोड़ा भी ना हो उसकी ही भगवान रोज प्रैक्टिस कराता है। कराता है नहीं कराता है? ये मुरली क्या है? यही प्रैक्टिस है। हमको बताते हैं, गाइडलाइन देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, सारी बात समझाते रहते हैं रोज रोज, नई नई तरीके से समझाते हैं। उस दिन बताया फांसी पे लटके रहो, कौन सी फांसी? याद की फांसी पे लटके रहो। किसी व्यक्ति को फांसी लगा दो तो उसका ऐसे मुंह हो जाता है ना थोड़ा सा, तो ऐसे ही बाबा कह रहे आपका भी मुंह कैसे होना चाहिए, थोड़ा ऊपर को ऐसे उधर। तो बाबा भिन्न भिन्न तरीके से हमारा फोकस खिंचवाते हैं कि कैसे आप उसे याद करो, अपने को वरदानों से शक्तियों से कैसे भरो, ये बाहरी बातों को छोड़ो, ये बाह्य रस छोड़ दो। जितना ये बाह्य रस छोड़ते जाएंगे उतना ही आंतरिक रस मिलता जाएगा। अभी हम आत्माओं का टेस्ट क्या पड़ा हुआ है? बाह्य रस का वही पड़ा है ना, थोड़ा खाने का, थोड़ा देखने का, थोड़ा घूमने फिरने का, तरह तरह के रस हैं, हैं या नहीं? अब उन्हीं रसों में हम लोग चक्कर लगाते रहते हैं। और भगवान क्या करते हैं, वो बाह्य रस से निकाल के हमें अंदर वाले रस में ले जाते हैं। अंदर का रस कैसा है? मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई। और बाहर रस कैसा है? मेरे सब कोई।